एजुकेटेड स्किलफुल व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन इसके माध्यम से हो जाता है। गिग इकोनॉमी इज नॉट ओनली इन जोमैटो एंड स्विगी एंड अमेजन, इट हैज ऑल्सो क्रेप्ट इन टू यूनिवर्सिटीज स्कूल्स वेयर दे आर नॉट पेड सैलरी, दे आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस एंड अपर लिमिट इज फिक्स्ड। All that is less than 50% of the permanent teacher. In that way, university saved 50% of the expenditure and work is going on. ये तरह से unemployment में रहे हुए लोगों को exploit करने का तरीका है। Welfare के दृष्टिकोण से public sector enterprise इसको कभी भी like नहीं करता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज इसी को लाइक करता है। फिर नया जो यूथ आया है अब वो भी लाइक करने लगा कि चलो घर पर ही बैठे हुए हैं और वहीं से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, घर पर बैठे हुए हैं ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, टाइम मेरा फिक्स है 8 बजे खोल के अपना देख रहा है, 9 बजे वो ले रहे हैं, 10 बजे वो ले रहे हैं। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स गिग इकोनॉमी इन ए ब्रॉडर स्केल। In coming years, there is a need for a permanent solution of the problem of unemployment. ऐसे हम employment दे रहे हैं, जब नहीं हुआ तो employment घटा दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो ये long term sustainability नहीं है। और ये जिस तरह से मशीन का depreciation होता है उस तरह youth का भी depreciation होता है। Everyone तो youth रहेगा नहीं, इसलिए गिग इकोनॉमी के ऊपर में सही तरीके का कानून बनाना जरूरी है। अब कानून बना दिया कि 50 घंटा अगर काम करेगा तो परमानेंट हो जाए, तो उसको कभी भी 50 घंटा वोट देगा ही नहीं, जब काम देगा 30 घंटा, 30 घंटा के बाद उसका पीरियड जवाब हो जाएगा, फिर 30 घंटा। तो ये चीज जो है इसको कैसे सॉल्व किया जाए ताकि युवा का एनर्जी जो है वो आप इस्तेमाल करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं, एंड रिटर्न वो जब युवा नहीं रहेगा, एवरी डे आप युवा से ओल्ड की ओर जा रहे हैं, तो देयर मस्ट बी सम प्रोटेक्शन। इसके लिए उसका पेंशन है, उसका हेल्थ केयर है ना, ये सब फैसिलिटीज उसको मिलने के लिए सही तरीके से सोच से फ्यूचर जनरेशन को दृष्टिकोण में रखते हुए, सस्टेनेबिलिटी रखते हुए गिग इकोनॉमी के ऊपर में अंकुश लगाना जरूरी है। मल्टीनेशनल कंपनी तो बाहर की है, लेकिन जितना भी आप देखते हैं अमेजन वाला जो देख के मांगता रहता है, कोई है अमेरिका नहीं, सब आपका लोकल आदमी हटा कटा है, मोटरसाइकिल पर पीछे लादे हुआ है, मामूली पीछे नहीं रहता, पूरा भारी रहता है, ज्यादा हो जाता है तो कारों में मिले जाता है या ट्रॉली से मिले जाता है, लेकिन कम है तो उसके पीठ पर लग दिया, दिन भर वही बांटता रहा। तो स्विगी है, फोन कीजिए रोटी सब्जी चाहिए, पूरी खीर चाहिए, तुरंत कहिएगा वहां से, तुरंत जहां से फोन आया ना वो लोकेट कर लेता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसको पता चल जाता है इस एरिया का आदमी जो लिट्टी मांगेगा, तो वहां लिट्टी के दुकान को हायर कर दिया, लिट्टी तैयार हो रहा है, आप फोन किए लिट्टी हायर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये काम कराता है अपना, और डिजिटाइजेशन से ऐप के द्वारा ऑर्डर लिया दिया, पेमेंट हुआ, पेमेंट किया भी तो आपको पेमेंट किया कार्ड से, पैसा उसको चला गया। ये सारा चीज डिजिटाइजेशन का है, सारा चीज का अल्टीमेट है कि मल्टीनेशनल कंपनी मोर प्रॉफिटेबल, गेटिंग मोर प्रॉफिट, बट व्हाट अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेस व्हिच आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड इन अ प्लान्ड वे। देयर मस्ट बी लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट गिग वर्कर्स, बिकॉज गिग वर्कर्स आर ऑल्सो नॉट नोइंग दैट दे आर फ्रीलांस एंड एवरीथिंग इज फ्री, फॉर सम टाइम यू विल बी ओल्ड, देन नो वन विल हेल्प यू। सो इन दैट वे गिग इकोनॉमी जो भारतवर्ष में
जो हम लोग के पूछता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी हैज वन ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वन डिजिटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंडियन इकोनॉमी मूविंग टुवर्ड्स गिग इकोनॉमी एंड देयर आर आर्मी ऑफ गिगर्स. We have to protect youth. We have to protect also farm. There must be a balanced approach. You think that health insurance, pension, gratuity, all these things are not related to 40 hours work. That is related to 1 hour work. पहले बैंक में क्या था कि बैंक में अगर आप पैसा रखे तो ब्याज आपको 3 महीना के बाद देगा. होते होते हो गया कि नहीं, पैसा रखिएगा अकल से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा. आज रखे हैं तो आज से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा. लीजिएगा लोन उससे, आज लिए 1 महीने के बाद ब्याज देगा कि आज से ही ब्याज चलना शुरू हो जाएगा. तो जब ब्याज तुम आज से लेना शुरू कर रहे हो तो हम रख रहे हैं तुमको 3 महीने के बाद, तुम इंटरेस्ट उस पर क्यों जोड़ते हो 3 महीने पर? हर रोज मेरा क्या इंटरेस्ट होता है उधर, तो वो जोड़ाएगा तो क्या अक्यूमुलेटिव हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा. अरे आज जो मिला उसके डिपॉजिट में चला गया, कल मिला डिपॉजिट में चला गया, तो डिपॉजिट का साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा. तो इस तरीके से इस पर सरकार को सोच करके ऐसा बनाना है कि युवा वर्ग जो है, युवा स्वतंत्र है, वो बहुत सारा अनुभवहीन है, स्किलफुल है, एफिशिएंट है, उसकी प्रोफिटेबिलिटी को बढ़ा दिया है. अमेरिका जैसे यहाँ 70% जो डेवलप्ड कंट्री का वर्कर्स है वो सभी को चाह रहा है कि गिग इकोनॉमी की तरफ ले जाए ताकि परमानेंट हमको देने का झमेला नहीं. यही पहचान जो गिग इकोनॉमी वाला वहां गया हुआ है अमेरिका में, तो मैरिज भी गिग इकोनॉमी की तरह किए हुआ है और उसका नाम दे दिया है रिलेशनशिप. क्या है रिलेशनशिप? जैसे कंपनी के साथ रिलेशनशिप में आप हैं, उस तरह से आप मेल और फीमेल के साथ रिलेशनशिप में. तो ये सब जो है एक नया एक्सपेरिमेंट है ह्यूमन बीइंग पर, जो बड़ा ही कष्टदायी है ओल्ड एज में. तो इन ऑर्डर टू कवर हिज फ्यूचर, यू आर कवरिंग हिज प्रेजेंट. उसको क्या पता है कि वो जो कर रहा है वो लॉन्ग टर्म में उसके लिए घातक है. जहां वो काम कर रहा है उसको प्रोटेक्ट, उसको थ्रू आउट लाइफ करना है उसको. पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी हमारा है, आप देखिए जितना भी महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2, ये सब क्या है? वहां जॉब आप करने जाइएगा तो आपको फ्लैट देगा, रहने के लिए जगह देगा, बिजली बत्ती सब तरह का सुविधा देगा, परमानेंट नौकरी है, पेंशन कटेगा, पेंशन का पैसा जमा होगा, पेंशन मिलेगा, छुट्टी मिलेगी, रिटायर कीजिएगा तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये सब होगा. आपके परिवार के बच्चे के लिए भी वो हेल्प करता है. तो ब्रॉडर परस्पेक्टिव में डेवलपमेंट, अमेरिका को हम लोग डेवलप करते हैं, किस तरह का तुम डेवलप होगी? जितना इंडियन सब गया हुआ है उसको और दूसरे एशियाटिक कंट्री अदर से सबको गिग वर्कर्स बना कर रखे, 60 घंटा के बाद परमानेंट हो जाएगा तो 50 घंटा में उसको ऑफ करने की जरूरत. वो बेचारा स्विगी छोड़ के चल गया जोमैटो में, जोमैटो छोड़ के स्विगी में, ऐसे करते करते अंत में रिटायर. कहा नहीं भाई आपका जो है मोटरसाइकिल का स्पीड बड़ा स्लो है, आपका डिलीवरी सिस्टम सही नहीं, आपको हटा. हटा कोई कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट है नहीं. तो गिग इकोनॉमी मीन्स ऑल इंडस्ट्रीज अंडर गिग इकोनॉमी इज टेम्पररी, गिविंग टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट. कंपनी तो परमानेंट है लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या देगी? टेम्पररी. वो बराबर चाहिए कि फ्रीलांसर वर्कर हो जिसको कोई हमसे लेना देना नहीं, वो काम करके हमारा दे पैसा ले जाए. ऐसा करने से उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? घट जाएगा. प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो इस प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने वाला जो इफिशियंट यंग वर्कर है उसके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए सही नियम की जरूरत है.
केवल वेद ही देने का नहीं है, उसका देखिए कैसा अमेरिका में एबीसी टेस्ट या किस तरह के वर्कर है, एबीसी तीन तरह की कैटेगरी दी हुई वर्कर है। आप घर पर भी कुछ अपना खोले हुए हैं कंपनी, तो आप वर्कर नहीं, आप तो अपना भी मालिक है। yes, इस तरह का सिस्टम बनाए हुए हैं। तो इन दैट वे बी नेवर से दैट गिग इकोनॉमी इज ए गुड इकोनॉमी, वी वांट दैट देयर शुड बी प्रोटेक्शन टू यूथ इन सम व्हाट परमानेंट मैनर। टेम्पोररी जॉब इज नॉट गुड फ्रॉम सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यूथ पीरियड इज नॉट ए लॉन्ग पीरियड, इट इज यू ज्वाइन इन 30 एंड 30 टू 40। आफ्टर 40 मल्टीनेशनल कंपनी डू नॉट लाइक टू कीप वर्कर्स, उनको सब चाहिए वही 30 और 40 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 40 के ऊपर देना है। अब सोचिए यहाँ रिटायरमेंट है 67 ईयर्स 60, अमेरिका में जो परमानेंट है उसका रिटायरमेंट 67 ईयर्स, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। अपने कंट्री के आदमी को परमानेंट में रखिए, आइए एशियाटिक कंट्री से जो जा रहा है उस सबको टेम्पररी में रखिए कि इकोनॉमी, ये सब सोचने का बात है। और हम लोग यही चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में गिग इकोनॉमी से जरूरत है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी का जो परमानेंट ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए, मेरिट वाले लोग हैं उसको चयन किया जाए, परमानेंट उसको नौकरी दीजिए, सैलरी दीजिए, जाना चाहते चला जाए, लेकिन अगर वहाँ रहता है तो उसको हर तरह का प्रोटेक्शन फैसिलिटी दिया जाए। That's all. Thank you.